सबों को जोहार नमस्कार अबुआ झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है आज इस प्रोग्राम में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में हैं निरंजन कुमार कुजूर जो एक फिल्म मेकर हैं और यहीं झारखंड लोहरदगा के वासी हैं आपने पीजी डिप्लोमा सिनेमा में किया है और सत्यजीत रेव फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता से ग्रेजुएशन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में किया है और आपकी कुछ नाम बहुत नाम कमाया उन फिल्मों में से फ़िक्शन फिल्मों में से पहाड़ा मदर एडपा काना आ, बोनो फूल है तो निरंजन आपका बहुत बहुत स्वागत है जुँर्ण आ, जुँर्ण. हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले आपने एक ग्रेजुएशन जर्नलिज़्म कम्युनिकेशन के बाद एक स्विच कहना चाहिए फ़िल्म की तरफ ये किया तो ये ट्विस्ट कहाँ से और आ, कैसा हुआ कैसे हुआ और आ, एक होता ना कि सोसाइटी में इस तरह के रिएक्शन बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होते हैं मेरा ऐसा मानना है आ, जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है तो आपका ये इस लाइन में कैसे स्विच हुआ आ, जी सबसे पहले तो आ, ऐसा हुआ कि मेरे घर में आ, सब हमको चाहते थे कि हम डॉक्टर बने तो मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था करते करते फिर समझ में आ गया कि आ, मेडिकल शायद मेरे से नहीं होगा तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन का चुपके से फॉर्म फिलअप किया मणिपाल यूनिवर्सिटी का और वहाँ पर आ, दाखिला लेने के लिए आ, जो फॉर्म फ़िलअप किया तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में, में मेरा रैंक काफ़ी अच्छा आया था तो घर में जा कर के थोड़ा कन्विंस करना पड़ा मुझे एक डेढ़ एक महीना तो लगा मुझे जा कर के कन्विंस करने के लिए कि मैं मेडिकल से स्विच कर रहा हूँ मास्कॉम की तरफ अभी मास्कॉम में मेरे दिमाग में ये था कि यह सोच करके मैं गया था कि अगर मेडिकल नहीं होगा तो सेकंड जो चीज़ है सेकंड करियर ऑप्शन है जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो जर्नलिज़्म था टी वी जर्नलिज़म पर जब वहाँ पर जाने के बाद फिर धीरे धीरे मुझे समझ जब चीज़ें करवाई गई एक्सरसाइजेस हुई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि शायद वो भी मुझे आ, उतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा पर थैंकफुली मास्कॉम में क्या होता है कि जितना भी मतलब उसमें आपका जर्नलिज्म है एडवर्टीज़मेंट है पीआर है आ, सिनेमा है ये सारी चीज़ें चीज़ों की पढ़ाई होती थी तो सिनेमा में पहले डॉक्यूमेंट्री आया फिर फिक्शन फिल्म मेकिंग आई तो जब फिल्मों के लिए फिल्मों का कोर्स हमारा जो सेमेस्टर था वो शुरू हो रहा था तो हमें काफ़ी वर्ल्ड सिनेमा दिखाया गया तो वहाँ पे वर्ल्ड सिनेमा में हमने पहली बार कुछ ऐसी फिल्में देखी जो यूरोप के गाँव से थी जो जापान के गाँव से थी जो थोड़ा आ, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड जो हम देख रहे थे उससे काफ़ी अलग हट करके थी और उसमें हमको अपने और हमने रीजनल सिनेमा भी देखा वहाँ पर उससे पहले दूरदर्शन में कभी कभार हम देख लेते थे तो रीजनल सिनेमा सिनेमा जैसे आ, आ, इंडियन पैनोरमा बोल करके दिन में आता था उसमें देश भर के संडे को आता था एक बजे के आसपास तो उस वक्त हम मैंने मुझे याद है मैंने सबसे पहली फिल्म गिरीश कर्नाड की चिलुई देखी थी तो उस तरीके का वो सब मेमोरी में था लेकिन वहाँ पर जाकर के जब रीजनल सिनेमा और भी ज़्यादा मैंने देखा और दूसरे देशों का भी रीजनल सिनेमा देखा तो फिर मुझे कहीं कही ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारे जगह का भी एक सिनेमा हो सकता है और वो लेट थोड़ा धीरे धीरे करके रियलाइजेशन वो होता है जब जबकि बॉलीवुड और हॉलीवुड आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आ, वो किसी ऐसे फार फेच्ड चीज़ें लगती हैं।, हैं दूर की दुनिया चकाचौंध से भरी तो आ, तब जा कर के मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर जब प्रोजेक्ट करते करते जब समझ में आया वो तो था ही जो मैंने बताया वो तो था ही उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जब प्रोजेक्ट मैं करता था तो नॉर्मली वो जो कोई चीज़ में आपका बहुत मन लगता है तो आप पूरी दुनिया भूल जाते हैं ना तो वो वाला मोमेंट हुआ मेरे साथ वो करते वक्त तब मैंने फिर मैंने श्री प्रकाश जी के साथ काम किया यहाँ पर झारखंड में एक साल और उन पढ़ते पढ़ते करते करते फिर उनके साथ फिल्में भी देखना होता था रांची में एक ये होता था फिल्म क्लब का आयोजन होता था जिसमें हर चौदह दिनों में एक फिल्म दिखाई जाती थी तो रांची से बहुत सारे लोग आते थे आर्टिस्ट लोग आते थे फिल्म का डिस्कशन होता था ये आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी में होता था तो ये सब पूरा माहौल मिला जुला करके मुझे उसने मतलब ये सारा सारे माहौल ने मुझे सिनेमा के लिए प्रेरित भी किया और तैयार भी किया तब फिर मैंने अप्लाई किया सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट तो वहाँ पर मेरा हो गया एडमिशन लेकिन मेरे घर में लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ सत्यजीत रे अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है उस जगह पे आपका जाना या फिर आपका सिलेक्शन बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आपको दिया होगा और काफ़ी शायद ऐसे भी लोग रहे होंगे जो आपको इनलाइटन करने वाला जो मोमेंट होता है ना उस तरह का मोमेंट आपको दिया होगा आपने आ, आपका पहला जो 2012 में पहाड़ा आपने बनाया जो कि काफ़ी अच्छे जगहों में फिल्म फेस्टिवल में उनको आ, स्क्रीन किया गया जैसे इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल स्पेन में ये काफ़ी बड़ा जगह है यहाँ पे होना आ, यहाँ आप गए और वो कैसा अनुभव था आपका? वहाँ पे गए नहीं थे हम गये? आ, गये? Okay. नहीं शुरू नहीं, शुरू में असल में हमको समझ में भी नहीं आता था कि फिल्म फेस्टिवल क्या होता है तो आ, फिल्म फेस्टिवल आ, इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल स्पेन में वहाँ होता है मैड्रिड में होता है तो जब वहाँ पे पता चला तो मुझे वो एक्साइटमेंट भी समझ में नहीं आता था कि ये इसको लेकर के एक्साइटेड भी होते हैं लोग तो उसी तरीके से कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म सेलेक्ट हुआ था तो उस वक्त भी मुझे नहीं समझ में आता था, था कि फिल्म फेस्टिवल क्या होता है मतलब मैंने फ़िल्म तो बनाई पर फिल्म फेस्टिवल हाँ ठीक है सेलेक्ट हुआ वहाँ देखेंगे लोग तो देख लेंगे मुझे जाने की क्या ज़रूरत है फिल्म ही तो देखनी है पर बाद में फिर धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि मैं जा नहीं रहा हूँ फेस्टिवल्स में तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको फेस्टिवल में जाना चाहिए आपको अपने फ़िल्म प्रेजेंट करना चाहिए आ, तो इस तरीके से फिर मैं फेस्टिवल वगैरह जाना शुरू किया तो सबसे पहला फेस्टिवल मैं गोवा में गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ फिल फिल इंडिया इफ़ी में 2013 2013 में तो वो वो पहली बार ऐसा भी हुआ था कि मैं जीवन में पहली बार प्लेन चल रहा था अच्छा ओके तो okay. <laughs> वैसा सब था तो काफ़ी ऐसे फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ओवरवेलमिंग रहता है वहाँ पे इफ़ी में गोवा में तो आपको बॉलीवुड के भी बहुत स्टार्स आते हैं और उसमें आपका छोटा सा एक फिल्म रहता है तो आप किस तरीके से होते हैं। लेकिन जो भी है वो हमारे झारखंड का शायद पहला फिल्म ऐसा था जो कि गोवा में सेलेक्ट हुई थी कभी फिल्म और वो भी कुड़ुक में बन करके तो उसका एक तो गौरव था वहाँ पर फील हो होता था और लोगों ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं तो प्रेस वहाँ पर पीआईबी आई बोल के होता है तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तो वो सब काफी नया था मेरे लिए तो एक्सपीरियंस ओवरऑल मतलब एक अच्छा भी लगता है डर भी लगता है ऐसा सा माहौल रहा था शुरू शुरू में आ, आपने ये जो फिल्म बनाया इसको कुड़ुक ही क्यों हाँ तो शायद आपको गोवा फिल्म में भी ये सवाल आपको के बारे में हाँ कुड़ुख में ही क्यों बनाया ये अच्छा एक सवाल भी आपने अच्छा पूछा ही वाला कि देखिएगा आपने ए, एक ट्रेज आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ से झारखंड से आदिवासी फिल्मकार जो जा रहे हैं फिल्म स्टूडेंट्स जा रहे हैं फिल्म स्कूल में पढ़ने के लिए वो सारे लोग अपनी मातृभाषा में ही फिल्म बना रहे हैं तो आ, उ, उसी तरीके से आ, मतलब मेरे से पहले तो बहुत कम स्टूडेंट्स गए थे तो मैं जब गया वहाँ पर तो मैं तो यही सोच करके गया था कि मैं अपनी भाषा में फिल्म बनाऊँगा वो इसलिए भी था क्योंकि उसी वो उसी दौर दौर में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया था कि एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है हाँ। और मैं सोच रहा हूँ कि हमारे हमारे भाषा में हमारी भाषा में अभी तक एक छोटी सी फिल्म भी नहीं बनी है और ये इंडेंजर्ड हो रही है और हम भी मैं खुद भी उस चीज़ से जूझ रहा था कि भाषा Uh, की समस्या की भाषा जो है वो हमारे अंदर से ही गायब होते जा रही है घरों में बोलचाल बंद हो रहा है वो क्योंकि किसी भी भाषा को ज़िंदा रहने के लिए एक माहौल बहुत ज़रूरी होता है कि वो हवा में उसके शब्द चलते रहने चाहिए बोलचाल में वो व्यवहार में नहीं रहेगा आपके चारों तरफ तो फिर वो आपके मेमोरी में नहीं बैठता है नहीं। तो और जो भी भाषा जो भी बातें हम बोल रहे हैं वो हमारे अनकॉन्शियस मेमोरी से हम वो भाषा आ, यूज़ करते हैं तो वो अगर डेवलप नहीं होता है घरों से गायब हो रहा होता है तो फिर आ, वो थोड़ा प्रॉब्लम है वो चीज़ तो इसके लिए मेरे दिमाग में ये था कि हमको कुड़ुख में बनानी है शुरू शुरू में लोगों ने बहुत ऐसा बोला मेरे वहाँ पे भी फिल्म स्कूल में भी बोला कि आप यहाँ सीखने आए हो तो पहले एक्टर्स के साथ आप सीखो कैसे फिर पर मैं सोचता था कि हमारे समाज में तो एक्टर्स ही नहीं है एक्टिंग का है ही नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा तो फिर वहाँ पर एक फिल्म मेकर के बारे में थैंक गॉड कि मैं फिल्म स्कूल गया और वहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है मेरा रॉबर्ट ब्रसौ से जिन्होंने हमेशा नॉन एक्टर्स के साथ ही काम किया आजीवन उनके इंटरव्यूज़ सुने मैंने उनकी किताबें पढ़ी उनकी जो उन्होंने जो नोट्स बनाए थे डायरी मेंटेन करते थे उनको पब्लिश किया गया तो उन वो बहुत ही रेडिकल फिल्म मेकर मानते थे हम लोग उनको जो एक्टिंग को बिल्कुल ही सिनेमा से निकाल करके देखते थे तो आ, उनका कहना था कि एक्टिंग का सिनेमा में कोई जगह नहीं है अच्छा। वो एक्टिंग थिएटर आर्ट फॉर्म है वो सिनेमा में उसको मत मिला तो वहाँ से फिर आ, उनके उनको जितने भी फिल्म मेकर्स ने इंटरनेशनली फॉलो ग्लोबली फॉलो किया उन सबको स्टडी करते हुए फिर हम धीरे 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 करके आगे बढ़े पहाड़ा मेरा बहुत ही ऐसे आप देखो तो मुझे उस वक्त उतना कुछ फिल्म मेकिंग नहीं आता था लेकिन फिर भी एक बहुत ही ट्रूथ फ्रॉम द हार्ट वाला uh, फिल्म है और लेकिन आ, uh, वहां से मैंने चालू किया नॉन एक्टर्स के साथ काम करना और फिर धीरे 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 करके अभी भी मैं बढ़ ही रहा हूँ उसमें सिनेमा से आपका टर्निंग पॉइंट हाँ <laughs> लर्निंग तो आजीवन चलता रहता है उम्र मरते तक रहेगा हाँ uh, uh, जैसे ये फिल्म ही uh, एक ट्राइबल सोसाइटी में जो अभी बर्निंग सिचुएशंस हैं उस पर बेस्ड है आ, जो मैरिज सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है तो इस तरह की फिल्म का सोसाइटी में किस तरह का रिस्पांस आया था तो ये एडपा खाना के बारे में बोल रहे हैं एड़पा खाना एड़पा खाना मेरी एडपा खाना बनाने के पीछे मेरा दिमाग में यही था कि सबसे पहले तो मुझे मैंने जितने भी फिल्में देखी थी उसमें मतलब आदिवासियों के का तो उसमें एक फिंगर पॉइंटिंग एक होता है मतलब बाहर की तरफ ही देख रहे हैं लोग बाहर के नज़रिए से देख रहे हैं या फिर आदिवासी लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं लेकिन आ, आपस की ज़िंदगी हमारे बीच की ज़िंदगी हमारी लाइफ वो चीज़ आ, सिनेमा से गायब था कभी भी नहीं था वो या तो किसी इशू बेस पे रहेगा किसी आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी या किसी छोटे सा हड़िया जैसे सब्जेक्ट पे कोई फिल्म बना दिया या एंथ्रोपोलॉजिकल फिल्में होती थी तो ऐसे ही इतना ही नजर आता था तो पर मेरे दिमाग में था कि मैं हमारी अपनी फिल्म हो हमारे लोग हम कैसे खाते पीते हैं या हम कैसे बात करते हैं हमारे जीवन में एक आम आम, आम जीव आम दिनचर्या कैसा होता है वो सारी चीज़ें मिला जुला करके मतलब ह्यूमन इज uh, रूप आदिवासी का वो uh, दिखाना मैं बहुत ज़रूरी समझता था और uh, ये भी था कि मुझे इंटरनल मामलों पे भी फिल्म बनानी थी कि हमारे सोसाइटी अंदर अंदर में किन चीज़ों से जूझ रहा है या कौन सी बात किस तरह से बातें होती हैं दोस्ती यारी कैसी होती है या आ, हम अपनी माँ से कैसे बात करते हैं या पिताजी से कैसे बात करते हैं क्या बच्चा डरता है अपने माँ बाप से या कोई ऐसा क्या रेस्पेक्ट क्या हैरार होती है वो सब कुछ मिला जुला करके क्या हम क्या चीज़ें हम हमारे अंधविश्वास क्या चीज़ें चीज़ों को किन चीज़ों को लेकर के है वो सब कुछ मिला जुला करके हमारी लाइफ हुँ. जैसे आ, दूसरों की मतलब जैसे बॉलीवुड की ही फिल्में देख लो तो वो तो एक समाज जिस समाज का फिल्म मेकर होता है ऑलमोस्ट उसी समाज का आ, की लाइफ दिखाता है ना हुँ. हमारे भी तो लाइफ है ना इट इज़ नॉट ओनली

से शुरुआत जो दिखाया गया है आ, वो एक उसका रिस्पांस हम कह सकते हैं क्या रिस्पांस वो तो आपको अपसेट, आप करती गये गये वो अपसेट करती हैं है। वो सब इमेजेस अपसेट करती हैं पर आ, वो तो पर वो उस चीज पर भी निर्भर करता है कि फिल्म बना कौन रहा है हुँ. जैसे मैं जब अपने समाज को देखता हूँ जैसे मैं मुंडाओं को देखता हूँ तो मुझे राजा महाराजा दिखते हैं पर वो बाहर के लोगों को वही गरीब आदिवासी दिखते हैं तो वो नज़रिया का फ़र्क है तो आ, उसी तरीके से हमारे लोग हमारे मतलब वो इंसानों की तरह देखते हैं ऐसे नहीं कि गरीब दिखते हैं हमें इंटेलिजेंट लोग दिखते हैं जो कि बिना आ, पैसे का जीना जानते हैं हुँ। एक इकॉनमी है एक सिस्टम है फूड सिक्योरिटी है हमारा आ, हमारा अपना अध्यात्म है हमारे गीत जो हैं जैसे मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि हमारे जो गीत हैं वो चैंटिंग के तरह होते हैं वो रिपीटिशन होता है जिससे मन शांत रहता है तो हमारा मेरी मेकिंग भी जो है पार्ट जो हम नाचते गाते हैं या त्यौहार मनाते हैं उसमें भी हमारा वो चैंटिंग का ही तरीका होता है रिपीटेशन होता है जो एक कहीं ना कहीं आपको आपके मन को शांत ही रखता है आपको उग्र नहीं बनाता है तो आप देखोगे तो आमतौर पर आप जितने भी आदिवासियों को आप जानते हैं लोग जानते हैं मिले होंगे वो कभी उग्र नहीं होते हाँ उनको अगर किसी ऐसे पोक करोगे कुछ किसी नेगेटिव सिचुएशन में डालोगे तब तो वो रिएक्ट करेगा ही वो तो कोई भी इंसान करेगा लेकिन अगर उसी चीज़ को आप हाईलाइट करके बोलोगे कि नहीं आदिवासी उग्र होते हैं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है जबकि फिल्मों में आप देखो जैसे झिंगालाहू का आपने वर्णन किया ये किया जिसमें वो फिल्म है शालीमार उसमें आप देखोगे तो बहुत ही गोरी इमेज है आदिवासियों का वो मर्सीलेसली काट देते हैं किसी को भी और अंधविश्वासी इस तरीके का वर्णन है मतलब तो वो सब मेरे नज़रिए से तो वो सब तो अजीब लगता है ना। इर्पा कानक को आई डी पी अवार्ड बेस्ट स्टूड इन फिल्म और बेस्ट ऑडियोग्राफी भी इसने बैक किया था और का एक बहुत चर्चिस चर्चित मूवीज़ में मदर इसने बेस्ट फिल्म बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड भी बैग किया आ, इन इसमें से और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं जब देख रही थी थोड़ा बहुत देखा भी उसमें देवी दुर्गा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था बहुत शॉर्ट बहुत कम समय की फिल्म है आ, जिस हिसाब से जिस तरीके से आपने एक किया है एक फीमेल का पूरा दिन भर का जो काम है आ, बहुत टचिंग था इसके पीछे मतलब कौन इंस्पायर किया आपको इसको बनाने में <laughs> इंस्पिरेशन में तो मेरी मम्मी को भी नहीं पता लेकिन इंस्पायर उसको बनाने में मतलब स्टोरी uh, जो है एक्चुअली ये एक एनजीओ के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही फिल्म है वो उनको कमीशन प्रोजेक्ट है तो उसमें उन्होंने ड्रजरी रिडक्शन बोल करके वुमेन का वो टॉपिक था okay. तो उसमें आ, मैं मैंने तो देखा था अपनी माँ को या घर पे मैंने ऐसे देखा था कि महिलाएं कभी बीमार नहीं पड़ती हैं ऐसा लगता था <laughs> पर फिर बाद में पता चला कि वो बीमार पड़ती हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता तो हालांकि सब लोग बोलते हैं कि आ, आदिवासी समाज में ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि आ, जेंडर रोल्स या फिर आ, बिल्कुल भी पेट्रीआर नहीं है या आ, आप कह दें कि आ, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं हालांकि बहुत सारे मामलों में हम दिशा दिखा सकते हैं जैसे विडो मैरिज वगैरह सब कुछ हैं हमारे सोसाइटी में अपना हस्बैंड चुनने का अधिकार और ये सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में पहले से और भी बहुत सारी चीज़ें लेकिन इस मामले में मैंने देखा था कि महिलाएं कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं मतलब आ, तो इंस्पिरेशन आप पूछ रहे हैं तो मैंने अपने माँ को ही देखा था कि कैसे वो मतलब तीन चार मिनट से ज़्यादा वो स्थिर बैठ करके नहीं रख रह सकती वो उनको कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है तो हमेशा उठ करके चली जाती हैं तो और ना ही आ, उन वो जो न्यूज़ देखते हैं ना सारे पुरुष बैठ बैठ के समाचार पत्र पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ पढ़ने का या नॉवेल्स पढ़ने का या आ, दिन दुनिया के बारे में जानने समझने का उसका भी समय नहीं है तो शुरू में हमको मुझे लगता था कि मैं बहुत मतलब मम्मी से चिढ़ जाता था मैं कि क्यों तुम ये सब नहीं जानती कि इसराइल में क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है तो पर फिर समझ में आया कि टाइम ही नहीं है उनके पास तो फिर वो चीज़ आ, मैंने इस फ़िल्म में दिखाया कि सुबह उठते के साथ एक महिला आदिवासी महिला कितने काम कितना काम करती है हर क्षेत्र में करती है हर जगह पे तो आप सिलसिलेवार आप देखोगे तो वो सुबह उठ के पानी भरने से लेके बर्तन धोना <laughs> बच्चों को स्कूल भेजना तैयार करना स्कूल भेजना खाना बनाना आ, लिपाई पुताई से लेके खेत खलिहान जंगल जाके लकड़ी भी ला रही है सब कुछ ही कर रही है थक भी थकते हुए तो हम लोगों ने ज़िंदगी में नहीं देखा लेकिन हमको तो लगता है कि थकती होंगी आराम करती होंगी बीमार भी पड़ती होंगी तो वो उस फिल्म में मैंने छोटा छोटा रखा है ताकि लोगों को समझ में आए कि ऐसा रोबोट नहीं हाँ, महिलाएँ Uh, तो उसी लाइन पे ही और एक आ, सवाल है कि जैसे मतलब आप कोई सा भी नया प्रोजेक्ट करते हैं देखा दे, कि काफ़ी एक ठहराव है एक बैक टू बैक आपने नहीं आ, काम किया तो उसमें ऑब्वियस है कि कोई भी अभी काम या प्रोजेक्ट का कर सिलेक्शन करने के लिए उसका स्क्रिप्ट या फिर आ, स्टोरी आ, सेलेक्ट करने के लिए जो एक होता है टाइम जो लगता है आ, आपका चॉइस किस तरफ ज़्यादा रहता है uh, किस तरफ ज़्यादा रहता है एज इन मेरा तो मैं तो चाहूँ कि हमेशा इधर ही फिल्म बनाते रहूँ झारखंड में पर कभी कभी होता है जैसे कि आपको जैसे मैंने थोड़े बहुत एड फिल्मों में भी काम किया मैं आ रही हूं तो तरफ। उस उस तरफ। तो तरीके से थोड़ा इधर उधर भी जाना पड़ता है हाँ आपको जन्नते कैसर, केसर न? हाँ। उस पे बेस्ट यूज ऑफ अव कंटेंट एंड मार्केटिंग अवार्ड तो मिला दूसरा स्पिटिंग वॉल बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी सिल्वर अवार्ड और उस पे मिला है सिल्वर अवार्ड एक्सलेंस इन मैसेजिंग एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग <laughs> <laughs> मुझे भी लगा था बहुत छोटा सा था तो इसमें मोस्टली देखा कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपका खुद का था तो इसके लिए मसाला सीधे सही सीधे शब्दों में अगर राइटिंग जो है आ, जैसे एड्स के लिए तो मैं नहीं करता स्क्रिप्टिंग वो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आता है उसमें मुझे परफॉर्मेंस देखना होता है और वो फिल्म कैसे सज करके आएगी आ, वो देखना होता है आ, और आ, फिल्म क्या बनेगी मतलब स्क्रिप्ट के बाद फिर जो स्क्रीन में कैसे आएगी वो सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन जो फिल्में होती हैं उसमें आ, राइटिंग के टाइम पे मेरा ज़्यादातर ध्यान रहता है ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ मैं ऐसे ऑब्ज़र्वेशन पे ही है आ, और थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं और आ, बहुत सारी फिल्में देखता हूँ मैं तो वो सब करते हुए आ, हमारा ये राइटिंग जो है राइटिंग मोस्टली आपका ऑब्जर्वेशन से ही आता है तो अपने आसपास क्या चीज़ें घट रही हैं क्या चीज़ रेलेवेंट है आ, क्या क्या चीज़ें सुन रहे हैं आप आ, मतलब आपके जैसे आ, किसी भी अपने दोस्तों को भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने माँ या अपने अपने घर में किसी को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कोई भी इंटरेस्टिंग होगा तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आप देखोगे मेरी फिल्मों में वो सारे मेरे जान पहचान के लोग ही हैं मैंने सबको नहीं बताया कि कौन क्या क्या है लेकिन आ, उन लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा जो हैं ऐसे हैं तो वो क्यों हैं और उन्होंने ये किया तो उसकी वजह से वो प्लस माइनस मतलब वन थिंग लीड्स टू अनदर हो करके वो किसी ना किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आ, उस तरीके से एक टाइमलाइन जैसा चीज़ों को देखना सब चीज़ हर कोई भी चीज़ अचानक नहीं घटती हैं उनका पहले से ही वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले से ही चीज़ें सेट हो जाती हैं एक और छोटा सा सवाल है हमारे पास टाइम एकदम लिमिटेड है एक आपने एक झारखंड के जितने भी दूसरे फिल्म मेकर हैं मतलब आपके जनरेशन वाले एक अलग सा एक लाइन आप फॉर्म कर रहे हैं शायद उससे नेक्स्ट जनरेशन बहुत कुछ सीखेगी उस लाइन के बारे में बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ बहुत छोटा सा बता रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में झारखंड सरकार ने एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल विश्व आदिवासी दिवस के समय उस वक्त जो बहुत जो भी फिल्में आई हमारे जनरेशन की वो फिल्में देख करके वो समझ में आया कि हम लोग एक जैसा सोच रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा जो सेंस ऑफ टाइम है वो एक अलग तरह का उसमें बहुत ठहराव होता है आ, वो उसका आप सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोरी टेलिंग है या हमारे जो गीत वगैरह हैं उसमें काफ़ी जो शब्दों का जो बहाव होता है वो बहुत जो चेंज होता है चेंजेस होते हैं वो काफ़ी लेट चेंजेस होते हैं तो इसीलिए हमारी हमारी स्टोरीज़ में आप देखोगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा उग्र टाइप का एकदम तुरंत तुरंत चीज़ें नहीं बदलती हैं हम लोग विथ टाइम थोड़ा समय ले ले करके चीज़ों को बदलते हैं और एक बहुत स्लो मेडिटेटिव पेस में फिल्में बन रही हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी उस चीज़ को नोटिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक, एक समाज का एक जनरेशन एक तरीके से सोच रहा है आ, किसी ने आपस में किसी को नहीं बोला कि ऐसे फिल्म बनाना चाहिए फिर भी ये हो रहा है चलिए मुझे लगता है कि आप जिस तरह के लाइन में हैं और आपके साथ जितने साथी हैं फ्यूचर में एक अलग सा एक ग्रुप और डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म हम देख सकेंगे जो कि एक सोसाइटी को रिफ्लेक्शन दिखाएगा रोल भी करेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माने के लिए दन्य। जोहार जोहर धन्यवाद